और रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने शुक्रवार को कांग्रेस की गारंटी महालक्ष्मी योजना का लॉन्च किया। इस दौरान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 5 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनमें महालक्ष्मी गारंटी योजना भी शामिल है। रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने शुक्रवार को महिलाओं के साथ महालक्ष्मी योजना का लॉन्च किया। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कहा कि योजना के प्रचार के लिए महिला कांग्रेस रैली निकालेगी और घर घर जाकर महिलाओं को फॉर्म भरवाएगी। आपको बता दें कि महालक्ष्मी गारंटी योजना के तहत देश के सभी गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए की गारंटी दी जाएगी। ये सालाना योजना है, ये हर परिवार को, गरीब परिवार को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष दिया जाएगा। उनको शक्ति बनाने के लिए, नारी सशक्तिकरण के माध्यम से उन्होंने 1 लाख की घोषणा की है कि हमारे केंद्र में सरकार आएगी तो हम प्रत्येक गरीब महिला को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। मतलब 8,300 रुपया माह पड़ेगा। हमारा जो कहना है कि महिलाओं को इतना इन लोग भ्रमित करते हैं, उन्होंने विधानसभा में घोषणा की थी कि 1,000 प्रति माह दिया जाएगा। आज 3 महीने हो गए उनकी घोषणा का और आज वो 1,000 रुपए मात्र दे रहे हैं हमारी महिला को, और सारी महिलाओं को ये राशि उपलब्ध नहीं हो पाया है। जिन महिलाओं को वास्तविक में जरूरत है, उन महिलाओं का फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया है। उन्होंने कहा है 21 पहले उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री की पत्नी तक को वो ये सुविधा देंगे, कलेक्टर की मिसेस को मिलेगा, परंतु आज की स्थिति में हम जब देखते हैं और हम मोहल्ले में घूमते हैं तो हमें पता चलता कि महिलाओं को पैसे नहीं मिल रहा है, इन्हें भ्रमित किया गया है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।